बानी पीटीआई का 9 मई वाकयात पर मशरूत मुआफी मांगने का ऐलान। 9 मई वाकयात के सीसीटीवी फुटेज सामने लाने का मुतालिबा। कहा, अगर पीटीआई ओहदेदार मुलविस हुए तो मुआफी मांग लूंगा, मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, अगर पीटीआई के अफराद मुलविस हुए तो पार्टी से निकाल दूंगा। बानी पीटीआई ने कहा, मुझे रेंजर्स ने घसीटा, क्या पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं? क्या आपको मुझसे मुआफी नहीं मांगनी चाहिए? पेट्रोल बम जमान पाक के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं हुए, इंतजार नहीं चाहता, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूं। बानी पीटीआई ने 9 मई को मारे गए कारकुनान की शनाख्त क्यों छुपा रखी है? पीटीआई की ये कारकुन 9 मई को कहां थे और क्या कर रहे थे? रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी का एक्स पर सवाल। कहा, पीटीआई के 16 कारकुन मारे गए, किसी और जमात का कारकुन क्यों नहीं मारा गया? तलाल चौधरी कहते हैं, 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है, सीसीटीवी फुटेज में उनके लीडर देखे जा सकते हैं। खान साहब, मशरूत माफी से बेहतर है गैर मशरूत माफी मांग लें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल नामंजूर। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। बैरिस्टर गोहर की बिल कलदम करार देने की इस्तेदा। मौकिफ अपनाया, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी और गैर कानूनी है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पीटीआई का हक हैं। इस्तेदा की, इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को अलॉट करने से फौरी रोक दिया जाए। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आयनों कानून के आर्टिकल्स और शिकों को नज़रअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन को मामले पर मौकिफ देने का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नसरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर मौकिफ अपनाया। पीटीआई को अदालती फैसले में रिलीफ दिया गया। आसाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। फैसले में कुछ ऐसे हकायक को मान लिया गया जो कभी अदालती रिकॉर्ड पर नहीं थे। पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवारों ने भी कभी दावा नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं कराई। 41 अरकान को दोबारा पार्टी वाबस्तगी का मौका देने का कोई जवाब नहीं। दरख्वास्त में कहा गया, 12 जुलाई के फैसले के अहकाम इम्तियाजी और एक पार्टी के हक में हैं। शेख मुजीब को हीरो कहने वाली पार्टी ने बयानिया बदल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ का कहना है, बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो के तौर पर पोर्ट्रेट किया। शेख मुजीब से मुवाजना करते थे, एक मुजस्मा टूटने से मौकिफ बदल गया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं। ये भी कहा, जो पार्टी पार्लियामेंट में नहीं उसे मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? किसी भी पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अमरीकी सियासतदान या सरकारी अफसरान के कत्ल की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम। अमरीका में पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 46 साल आसिफ मर्चेंट ईरान में वक्त गुजारने के बाद पाकिस्तान से अमरीका आया था ताकि साजिश पर अमल के लिए लोग भर्ती कर सके। आसिफ मर्चेंट जिन कराए के कातलों से रबते में था वो दरअसल अंडर कवर FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट को 12 जुलाई को अमरीका से जाने की तैयारी के वक्त गिरफ्तार किया गया। व्हाइट हाउस की आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा बलोच का कहना है, अमरीकी हुकाम के साथ रबते में है, मजीद तफसीलात का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम बांग्लादेशी आवाम के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश की सूरतेहाल पर हुकूमत का पहला बाज़ाब्ता बयान। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, उम्मीद है बांग्लादेश में हालात तेजी से मामूल पर आएंगे। यकीन है अवाम का जज्बा और इत्तेहाद हम आहंग मुस्तकबिल की जानिब ले जाएगा। बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर लौटने लगी। तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खुल गई। सड़कों पर ट्रैफिक भी चलने लगी। डॉक्टर यूनिस की सरबराही में पूरी हुकूमत तश्कील। खालिदा ज़िया का पासपोर्ट रीन्यू हो गया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस आज पेरिस से ढाका पहुंचेंगे।
عبوری حکومت کے ارکان آج حلف اٹھائیں گے۔ بھارتی میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر یونس نے کہا، بھارت کے بنگلہ دیش کے غلط لوگوں سے اچھے تعلقات ہیں، بھارت اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ ڈھاکہ میں سینٹرل بینک کے ملازمین کا بھی احتجاج، 4 ڈپٹی گورنرز مستعفی، مرکزی بینک کے گورنر سے بھی استعفے کا مطالبہ۔ بنگلہ دیشی سپریم کورٹ بار کا بھارت سے حسینہ واجد کی گرفتاری اور حوالگی کا مطالبہ۔ برطرف انٹیلیجنس چیف بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار۔ مشرق وسطی تاریخ کے نازک ترین مرحلے سے گزر رہا ہے۔ عالمی برادری کو مشرق وسطی میں امن کے لیے مشترکہ کاوشیں کرنا ہوں گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا او آئی سی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس سے خطاب، کہا اسرائیل کی عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی پر ایران اور فلسطین کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر اسماعیل ہنیے کے قتل اور فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی۔ گڈ لک ارشد ندیم جیولن تھرو میں میڈل لانے کی واحد امید، اولمپکس جیولن تھرو ایونٹ میں میڈل کی جنگ آج چھڑے گی۔ بھارت کے نیرج چوپڑا بھی ان ایکشن ہوں گے، فائنل راؤنڈ رات 11:30 بجے شروع ہوگا۔ ارشد ندیم کی کون سی دعاؤں کی اپیل، ارشد ندیم جاؤ اور چھا جاؤ۔ فنکاروں، کھلاڑیوں اور سیاستدانوں کا نیک تمناؤں کا اظہار، اہل خانہ بھی پر امید، کہا ارشد سبز پرچم بلند کرے گا۔ بھارتی ریسلر اولمپکس فائنل کے لیے نااہل قرار، خاتون ریسلر ونیش پھوگٹ کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ بھارتی ریسلر نے 50 کلوگرام کیٹیگری میں لڑنا تھا، وزن 100 گرام زیادہ ہو گیا، اولمپکس کمیٹی نے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اعلان پر ونیش پھوگٹ کی حالت بگڑ گئی، بے ہوش ہو گئی۔ پیٹی آئی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیقی قتل کیس میں مزید انکشافات، پولیس تفتیش حتمی مرحلے پہ داخل، مقدمے کے تمام کردار ٹریس ہو گئے، ایک مقامی ایکٹر شہریار بھی ملافظ نکلا۔ شاہد صدیقی قتل کی ڈیل 1.60 کروڑ میں طے پائی، شہریار کا مقتول کے بیٹے عبدالقیوم سے رابطہ تھا۔ ملزم شہریار نے 16,75,000 روپے وصول کیے، رقم وصول کرنے والے ہیئر ڈریسر سمیت 3 ملزم گرفتار۔ شوٹر ایکٹر شہریار کا والد اور چچا نکلے، ملزمان نے گاڑی وہاڑی سے کرائے پر لی، گاڑی کو جعلی نمبر پلیٹ لگائی، بعد میں اصلی نمبر لگایا۔ جیو فینسنگ میں بھی ملزم کی لوکیشن آئی، لڑکی واردات یا منصوبہ بندی میں ملوث ہے یا نہیں تفتیش جاری ہے۔ حکومت اور جماعت اسلامی میں مذاکرات کا چوتھا دور، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی، کچھ معاملات تحریری طور پر طے ہوئے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ بولے، مذاکرات کا ماحول اچھا تھا، حکومت نے کہا وہ بھی ریلیف دینا چاہتے ہیں، 25 کروڑ عوام کو ان کا حق اور ریلیف ملنا چاہیے۔ جماعت اسلامی کے احتجاج کے دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان، راولپنڈی اور کراچی میں دھرنے جاری۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے آج مریب میں پرامن مارچ ہوگا، وزیر اعظم آئیں ویلکم کریں گے مگر مطالبات ماننا ہی ہوں گے، معاہدہ ہوا تو عمل درآمد بھی کرائیں گے۔ پونم ظفر کہتے ہیں کہ الیکٹرک فرانسک آڈٹ اور لائسنس منسوخ کیا جائے۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ گوجرانوالا سینٹرل جیل سے رہا، عدالت نے 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے پر روپکار جاری کی۔ عدالت نے عالیہ حمزہ کی 9 مئی کے کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ ارشد شریف قتل کیس کی 8 سماعتیں 5 رکنی بینچ کر چکا، اس کیس میں 5 رجسٹر بینچ ہی برقرار رہے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی میٹنگ منٹس میں ترمیم، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی خواہش پر میٹنگ منٹس میں ترمیم کی گئی۔ راجن پور میں کچے کے ڈاکوں کا پولیس چوکی پر حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 1 پولیس اہلکار شہید، 2 شدید زخمی ہو گئے۔
कराची एयरपोर्ट नाकारा तैयारों का कबाड़ खाना बन गया। कई बरसों से 30 से ज्यादा नाकारा तैयारे मौजूद। परिंदों का बसेरा, पीआईए समेत दीगर एयरलाइंस के तैयारे मौजूद। कौमी एयरलाइन के 13 नाकारा तैयारे भी शामिल। एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों से पुरजे भी गायब हो गए। निशान हैदर का एहसास पाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का आज 65वां यौम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने मशरकी पाकिस्तान के बहाज पर बहादुरी की लासवाल दास्तान रकम की। यहिया सवार फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के नए सरबराह मुकर्रर। इसराइल की धमकियां शुरू। कहा, यहिया सवार को मारने के लिए पुरअज़्म है। गजा में बमबारी जारी। मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। गजा और इस्माइल हनिये के कत्ल पर OIC का गैर मामूली इजलास। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है, ईरान और इसराइल से बराह रास्त बातचीत की है। किसी को भी मशरक़ वस्ता में तनाज़ात को नहीं बढ़ाना चाहिए। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, अमरीका मशरक़ वस्ता में अमरीकी अहलकारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का मिशन। 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क्यादत करेंगे। साउ शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी शामिल। इब्रार अहमद, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, खुरम शहजाद भी शामिल। मीर हमजा, साइम अयूब, सलमान अली आगा और आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। बांग्लादेश ए के खिलाफ पहले 4 रोजा मैच के लिए पाकिस्तान शाहीन स्क्वाड का ऐलान। क्यादत साउ शकील करेंगे। कौमी टीम के कई खिलाड़ी भी शामिल। और पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की दौड़। अमेरिका 25 गोल्ड समेत 90 मेडल्स के साथ बदस्तूर नंबर 1। चीन की 24 गोल्ड मेडल्स जीतकर दूसरी और ऑस्ट्रेलिया की 17 तलाई तमगों के साथ तीसरी पोजीशन। क्यूबा के रेसलर ने रिटायरमेंट से पहले सबको हैरान कर दिया। माइन लुपेस ने मुसलसल 5 ओलंपिक्स के एक ही इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिए। अलजजायर की खातून बॉक्सर ऐमान खलीफ वेल्टर वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई।